नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बीएनएन न्यूज के द्वारा समाज जागृति अभियान संपूर्ण भारत वर्ष में चलाया जा रहा है, जिस पर भारतीय सेवा के कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा सजग रूप से कार्य किया जा रहा है। दिन प्रतिदिन अपराधियों की बढ़ती गति को रोकने के लिए भारतीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि हमेशा सजग होकर कार्य कर रहे हैं, परंतु थोड़ी सी चूक होने की स्थिति में बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे रही है। बात करते हैं झारखंड की। अपराधियों ने ओर मांझे के पालू गांव स्थित एक होटल के पास बीजेपी नेता जीतराम मुंडा पर हमला किया। बाइक सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात के बाद बीजेपी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा है। भाजपा नेता जीतराम मुंडा के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शास्त्री चौक ओर मांझे के पास N33 पथ पर भाजपा के लोगों ने जाम लगाया था। अभी जाम खुल गया है। झारखंड की राजधानी रांची में अपराधियों ने एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात ओर मांझे इलाके में बुधवार को हुई, जब बाइक सवार दो अपराधियों ने बीजेपी नेता जीतराम मुंडा को अंधाधुंध फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस बीच घायल बीजेपी नेता को आनन फानन में ओर मांझे स्थित मेदांता अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष जीतराम मुंडा को उस समय निशाना बनाया गया जब वे पार्टी की ओर से आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेकर वापस लौट रहे थे। अपराधियों ने ओर मांझे के पालू गांव स्थित एक होटल के पास जीतराम मुंडा पर हमला किया। बाइक सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और फिर फरार हो गए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।